बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग इलेक्शन के बाद पहली बार मिल रहे हैं और आज बेगम खालिदा शाह साहिबा की तरफ से जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी सदर मोहतरम है मोहतरमा है एक स्टेटमेंट हम अभी रिलीज करने जा रहे हैं और उसका मैं जिस्ट बताऊंगा और उसके बाद मैं कुछ जो कुछ सीरियस इश्यूज इस वक्त हैं जिससे हमारी स्टेट इस वक्त यूटी इस वक्त दो चार है उनके बारे में मैं बात करूंगा और उसके बाद अगर आपके लिए आपके पास कोई सवाल होंगे तो मैं जरूर जवाब देने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले बेगम खालिदा शाह साहिबा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक टू द एनसीआईएनसी अलायंस जिसने 10 साल के अनवारंटेड बीजेपी रूल को कश्मीर से जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया और ये बात इसमें वाजिया हुई है कि यहां के अवाम ने जो 5 अगस्त 2019 का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया था पार्लियामेंट में मोदी साहब की सरकार की तरफ से सो जिसपे हम लोग सब और रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए विद ऑनर एंड डिग्निटी इस पर कोई सौदाबाजी न हो सकती है न हम करने देंगे। उसके साथ साथ चूंकि हम पार्ट एंड पार्सल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी के साथ आईएनसी अलायंस के उन तमाम डिसीजंस के साथ और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो पब्लिक के हित में होंगे बिलखसूस टू ब्रिंग बैक स्टेटहुड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवर फ्लैग एंड अबव ऑल 370 एंड 35 ए एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री ये हमारे सदर मोहतरम का मानना है। और उसके साथ साथ बेगम खालिदा शाह हर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट हमारी सीपीआईएम के हमारे तारिगामी साहब उनको दिली मुबारक पेश करती है ऑन देयर विक्ट्री इन दिस इलेक्शन। और उसके साथ साथ हमारी सदर मोहतरमा अपने तमाम एएनसी की लीडरशिप को उनके तमाम वर्कर्स को जिन्होंने बहुत ही पिक्यूलियर कंडीशंस में काम किया आफ्टर पार्टिंग वेज विद द अलायंस विद द लीडरशिप ऑफ फारूक साहब एंड उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी और हमको एक महीने से ज्यादा भी नहीं मिला काम करने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और बिलखसूस जो हमारी लड़ाई रही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने सिंबल नहीं दिया जब तक हमने अपने फॉर्म्स जमा किए और हमको काम करने का मौका सिंबल मिलने के बाद 10 या 12 दिन का किसी कैंडिडेट को नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो अब हम दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उठा रहे हैं कि आइंदा जो हमको अब काम करना होगा जो भी इलेक्शन सामने आएंगे पहले से ही आपके सिंबल्स का हमको इंतजाम हमको पहले करके दीजिए। और खालिदा शाह साहिबा का मानना है कि हमारी पार्टी एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन और एक स्ट्रांग वॉइस की तरह जिस तरह पहले काम करते थे उससे भी ज्यादा तेज वो काम करेंगे। इलेक्शंस कम एंड गो विक्ट्रीज एंड डिफीट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। आज हमारे जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कल उन्होंने आज दो सेगमेंट्स अपने खुद जीते हैं और भारी अक्सरियत से जीते हैं। एक महीना पहले ही लॉस्ट बाई 2 लाख 20 2 लाख 30 थाउजेंड डेमोक्रेसी कोई बात नहीं चलता है। सो वी विल वर्क टूगेदर फॉर द बेनिफिट एंड फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ अवर स्टेट ये खालिदा जी का आज मैं ये पढ़ने जा रहा हूं। ये अभी हम सर्कुलेट करेंगे और इसका उर्दू भी आएगा आपके साथ। अब मामला ये है जिसके लिए आज हमने आप लोगों को दावत दी है। सबसे पहले चूंकि बदकिस्मती से हमारे लोगों ने एएनसी को वोटिंग उस तरह से नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए थी जिस तरह से हमको प्यार मोहब्बत उनने दिया और हमेशा देते हैं और हमको खुसूसन मुझे एक स्ट्रांग वॉइस समझते हैं जम्मू कश्मीर की
सो आज मैं हबा कतल के लोगों से एक तो शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे तमाम कैंडिडेट जो यहां बैठे हैं अपने अपने एरियाज में से, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लोगों में से शुमार किए जाते हैं जो रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। साथ ही साथ मैं उनको ये भी कहूं कि नॉर्मली सियासतदान इलेक्शन हारने के बाद वो डरता है सामने आने में और वो घबराता है कि क्या बोलूं अब, नई नई स्टोरी क्या बोलूं। मगर मैं आज हबा कतल के लोगों से ये बोल रहा हूं, सीना तान कर और आंख से आंख मिलाकर, अरे भाई ये तो सोचा होता आपने बीजेपी के कैंडिडेट को 2000 2500 या 3000 वोट दिए और जो बंदा बुलडोजर के सामने खड़ा हो आपके लिए पूरे कश्मीर के लिए 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो और हिले ना वहां से और आज तक खड़ा है, बाकी लोग सब भाग गए, आपने शायद कहीं चूक कर दी। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं लोगों से, क्या हुआ? आप में से कुछ लोग कहीं बिके तो नहीं दाएं बाएं? नॉर्मली लोग इल्जाम लगाते हैं पार्टीज पर, सियासतदानों पर, मैं आज आपको उल्टा इल्जाम लगा रहा हूं। व्हाट हैपन टू यू माय डियर गाइस? जो आवाज जिससे कांपते हैं लोग उसको आपने मुनासिब नहीं समझा? बहरहाल कोई बात नहीं, आइंदा और भी मौके आएंगे और मैं सिर्फ हबा कतल के लिए काम नहीं करता हूं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बासिंदों के लिए काम करता हूं, उनके लिए बात करने जा रहा हूं और बात करता रहूंगा। साथ ही साथ अपने तमाम साथियों को मैं ये भी बता रहा हूं कि खड़े हो जाइए, जो अपना लगा के पूरा, आइंदा जो भी हमारे इम्तहान आएंगे आप अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक, क्योंकि आप हम पहले से ही इलेक्शन कमीशन से अपने सिंबल का मामला सटाएंगे, तो आप देखेंगे कि एएनसी विल बी अ मेजर फोर्स रिकमेंडेड इन एनी ऑफ दीज इलेक्टोरल प्रोसेसेस। मगर जो बेसिक काम है जो मैं आज आपसे बताना चाहूंगा, ये तो मुबारकबाद तो सब ठीक ठाक है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से, और हमारी प्रेसिडेंट साहिबा कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मैं उन तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाइयों से आज जो हल वाला झंडा हाथ में लिए हुए हैं, मेरे भाइयों यू हैव टू क्वालिफाई टू होल्ड दैट झंडा इन योर हैंड, और वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां जेलों में काटी हैं, डिटेंशन में काटे हैं, उन लोगों को आप लोग हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनमें से सरफरस्त बेगम खालिदा शाह हैं जिन्होंने जब पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कयादत जेलों में थी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेबिसिट फ्रंट को चलाती थी, और उनके साथ साथ जितने भी हमारे दिग्गज लोग हैं जो जेलों में सड़ गए, उनके मां बाप उनकी मुसीबतें अपने इंट्रोगेशन सेंटर्स में, दोज आर द रियल, जो हल्का वाकई में दावा कर सकते कि हमारा वो कहीं गया है। खैर एनीवे, मैंने कल एक हमारे जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं अभी माशाल्लाह, माय कंग्रेचुलेशन टू यू उमर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं कोई भेद नहीं रखता, कभी नहीं रखा है, मगर मैं एक बात आपसे कहूं, आपका जो स्टेटमेंट आया जिसमें आपने कहा कि पहला रेजोल्यूशन जो असेंबली में होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप पेश करना चाहेंगे, दैट विल बी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ये फर्क है। द फर्स्ट रेजोल्यूशन हैज टू बी रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, दैट्स वाई पीपल हैव वोटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज लार्ज नंबर्स। अगर आप वो नहीं करते हैं तब आप जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में हुआ तब आप उस पर अपनी मोहर सब्बत करते हैं। हमारे लेजिस्लेचर का काम है पहले बोलना कि सॉरी वी विल मूव अ रेजोल्यूशन दैट विल से रेस्टोर
370 एंड 35A। मेरे भाई कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं तारिक करा साहब, आपसे भी मैं सवाल करूं, हालांकि आपने अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से की, आप हमारे सूबाई सदर थे एक जमाने में। आपने आज कहा है 370 इज अ कंटेंशियस इशू, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी, इट इज नॉट अ कंटेंशियस इशू। यही तो झगड़ा हमारा पीएजीडी में था, यही मैं बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बोलता था, महबूबा जी से बोलता था कि आप क्लियर कीजिए कांग्रेस, आप क्लियर कीजिए तमाम ऑपोजिशन से कि उनका 370 पर क्या उनका स्टैंड है। आज आप बोल रहे हैं कंटेंशियस इशू, बाद में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर के बाशिंदे, ये आपसे इस चीज की तवक्का अब नहीं करेंगे जब उनने आपको जोरदार तरीके से कामयाब किया है। और आपके 5 मेंबर भी यहां से कश्मीरवादी से इसी बहाने कामयाब हुए और कोई वजह से नहीं, इस बारे में आप सोचिए। सब मेरा मानना होता, अगर मैं उस असेंबली में होता, मैं जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, मैं अदब और एहतराम से आप लोगों से इतना कहूंगा, आपको स्टेटहुड मांगना है, बहुत अच्छी बात, उसके साथ साथ आप बोलिए कि हम ऑन फास्ट ट्रैक 27,000 जो हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े हिंदुस्तान की जेलों में बगैर केसेस के सड़ रहे हैं, उनके लिए रेजोल्यूशन मूव कीजिए आप कि वी विल एंश्योर दैट दे विल बी आउट विद इन मंथ्स। दिस इज व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम माय न्यू गवर्नमेंट। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप समझते हैं या डॉक्टर अब्दुल्ला समझता है कि मैं उनका दुश्मन हूं? जी नहीं, दुश्मनी आप लोगों ने की, मैंने नहीं। मैं हकीकत बोलता हूं और हकीकत यह है कि मेरे भाइयों, आपको सबसे पहले रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा 370 पे। आपको अपने रेजोल्यूशन में बोलना पड़ेगा कि हमको जो 27,000 लोग हैं इनको वापस निकालना है। और जम्मू वाला हमारा भाई, वो मिठाइयां बांटेगा, पटाखे सर करेगा, अगर आपका पहला रेजोल्यूशन इंक्लूड करेगा कि वी द न्यू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेस्टोर्स दरबारमो। यह है काम भाई, इन चीजों के लिए आपको वोट दिया गया है। यह चीजें आपको बोलनी चाहिए। ख्याल रखें, आपको आज वोटों की भारी तादाद में बीजेपी को हटाने के लिए वोट दिए गए हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और इनको डाइल्यूट करेंगे तो आइंदा आपको पता है फिर क्या होता है। इन चीजों का ख्याल रखें। अब जैसे हमारी सदरी मोहतरमा ने कहा है कि हम आपके हर किसी जायज कदम के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जिस तरह हम पीएजीडी में आप लोगों के साथ खड़े रहे, ये काम है हमारा। उसके साथ साथ में हम ये भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 60,000 या 1,00,000 मुलाजमतें देनी है, चाहे डेली वेजर्स को परमानेंट करना है, नई नौकरियां देनी है। मेहरबानी करके मेरे वालिद मरहूम जेएम शाह की गवर्नमेंट का एक पन्ना खोलिए और उसमें देखिए कि उन्होंने कुछ महीनों में किस तरह 50,000 डेली वेजर्स को परमानेंट किया, किस तरह 28,000 नौकरियां दी विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेट बजट। आपको यह लाना पड़ेगा। पहले जो रेजोल्यूशंस आप ला रहे हैं उन रेजोल्यूशंस में यह सब चीजें आनी चाहिए, रिलीज ऑफ डेट न्यूज, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, दरबार में
दीज आर द इश्यूज आई वॉन्ट टू से। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इन चीजों को कैरी करेंगे और अगर कोई इसमें आपको कोई सवाल करना हो तो यू आर वेलकम टू आस्क। जैसे आपने कुछ नाराजगी भी जताई इलेक्शन को लेकर या वोटिंग को लेकर, जैसे आपने हवा के लोगों को एक मैसेज भी प्रमाण किया, क्या आपको लग रहा है? मैं उनको बहुत बहुत दिली शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरीके से उन्होंने मोहब्बत से हमारे साथ, हालांकि मैंने उस इलेक्शन में आप भी मेरे साथ घूमते रहते थे, जिनको हजारों की तादाद में वोट पड़े हैं मैंने तो उनको देखा भी नहीं कभी। मेरा सवाल था सर, बड़े बिग फेसेस जो है इस बारी इलेक्शन हार गए जी, और अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर देखेंगे द ट्रेंड इज टोटली डिफरेंट। हाउ पर्सनली यू बिलीव फॉर द गवर्नमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टू स्टेट। देखिए जिन लोगों ने इलेक्शन हारे मेरे बगैर, समवेयर ऑफ द अदर पब्लिक उनको देख रही थी कि दे आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विद सम पीपल, और उनको उस चीज का आज जवाब दिया गया। हमारे ही लोग, कश्मीर के ही लोग, मैं उनसे इतना कहूंगा कि अगर आप सब हार जीत चलती रहती है भाई ये कोई बड़ी बात नहीं, मगर आज आप एक चीज पे तहिया कर लें, छोड़े पीछे पब्लिक को क्या करना था क्या नहीं करना था, उनने कर दिया, आपके साथ जायज किया मेरे साथ नाजायज किया डज नॉट मैटर, मगर आज जरा एक आवाज में खड़े हो जाएं स्टेटहुड के लिए। आज आप 370 पे बात करें रिस्टोर कीजिए 370, दरबार मुख को रिस्टोर करवाइए और डेटिन्यूज को छुड़वाइए। अगर इन चार चीजों पर आज आप खड़े हो जाते हैं और हम ताकत बख्शेंगे अपनी लेजिस्लेचर को, ये चारों काम हो सकते हैं। मैं बुखारी साहब से भी गुजारिश करूंगा, मीर साहब से गुजारिश करूंगा, महबूबा जी से गुजारिश करता हूं, जो उनके लोग हारे हैं, हमारी छोटी बच्ची हमारी इल्तिजा मुफ्ती, इस पर बात करो, कम ऑन लेट अस हेल्प दिस गवर्नमेंट आउट। फारूक अब्दुल्ला साहब वी विल ऑल इन चीजों पर हम आपके साथ शाना बशाना सब खड़े, ये आपको करना है। पहला रेजोल्यूशन शुड नॉट बी स्टेटहुड, द फर्स्ट रेजोल्यूशन जिस पर आपको वोट पड़े आज शुड बी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद बाकी सब चीजें। बट ओबरला ने जो बयान दिया शशा की, अगर हम इसी सरकार से आर्टिकल 370 को मांगने की बात करें तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात होगी, और हम नहीं चाहते कि लोग जो है हम लोगों को कोई भी गलत होप दे या बेवकूफ बनाए। हम ये नहीं कहते कि हम आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसमें बार बार बात करते रहेंगे, लेकिन इस सरकार से मांगना वो शायद बेवकूफी होगी। तो आप जवाब चलिए साहब, सरकार से मांगना अलग बात है, रेजोल्यूशन पास करना आपका इख्तियार है, फर्क है। रेजोल्यूशन पास करना लेजिस्लेचर का इख्तियार है, और जिस दिन जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करेगी कि वी वॉन्ट रेस्टोरेशन ऑफ 35A एंड आर्टिकल 370, आपने ये केस जीत लिया, पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरे जम्मू कश्मीर के डायस्पोरा के सामने, यू हैव वन द केस इवन इफ सुप्रीम कोर्ट सेज नो। ये फर्क है मेरी सोच में, अगर मेरी लीडरशिप होती और इनकी लीडरशिप, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला पहले ही बोलते थे कि ये असेंबली में उतने पावर नहीं होंगे, मुझे तो पार्टी ने जबरदस्ती की इलेक्शन लड़ने के लिए, साथ साथ इल्तिजा मुफ्ती ने भी कहा था कि ये जो यहाँ का सीएम जो होगा वो इनका सीएम होगा, रबर स्टैंप होगा। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? चाहे वो टुथलेस हो चाहे रबर स्टैंप हो, रेजोल्यूशन इज अ रेजोल्यूशन, जिस पर आपको वोट दिया गया है आप रेजोल्यूशन पास करें एंड लीव द रेस्ट टू फेट, देखा जाएगा क्या होगा। अगर आप उसको उसके 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 बगैर आप पहला रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए लाते हैं, ये शायद सही बात नहीं है, मेरी 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 नजर में ये सही नहीं है, क्योंकि मुझे वोट पड़ा है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A एंड देन द अदर मैटर्स। थैंक यू।